हेलो, वेलकम बैक टू माय और हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं छोटी सी राइड पे और आगे जा रहा है बीस्ट राइडर। वो रहा बीस राइडर, है तीन साल तेरी हवा हर टाइम कम होती है। कहाँ चला गया यार, एकदम से गायब हो जाता है ये। इसको कितनी बार ही बोला कि स्लो चलाया कर, स्लो चलाया कर। यार गोप्रो की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी कभी तो ऑन ही नहीं होता। 10 मिनट लगे, पहले मीडियम मोड खोला, उसका नेट खोला, फिर उसके बाद बैटरी निकाली, फिर से डाली, उसके बाद ऑन हुआ। यार ये बीस्ट राइडर का गोप्रो भी प्रॉब्लम करता है और मेरा भी गोप्रो प्रॉब्लम करता है। यार पता नहीं क्या बनाया, इतना महंगा कैमरा और ये प्रॉब्लम। जब भी आओ तब भी ब्रिज बंद। करता भाई, इतना समझदार हूँ मैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू स्टार्टिंग को। तो भाई बहुत बहुत थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको करते रहेंगे। मैं जब भी बीस राइडर के साथ जाता हूँ ना, हमेशा लेट हो जाता हूँ। आज भी देख लो, 5 बजा दिए भाई साहब ने, 5:06 हो रहे हैं। तो हमेशा ऐसा ही होता है इसके साथ, जब भी जाता हूँ अंधेरा पड़ जाता है। आज भी लेट करा गया था, बोल रहा था 10 मिनट, मैंने बोला मैं तैयार होकर बैठ चुका हूँ, तेरे को आना अभी आ जा। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके साथ। यार माइक लगाया फेस के आगे आ रहा है बिल्कुल, तो अच्छी तरह सेट नहीं बैठा। जब मैंने गोप्रो उतारा तो सेट तो भाई साहब घर में ही होता है अच्छे तरीके से, घर में पूरा सेट करके निकला और अभी ये हाल हो गया भाई। और यहाँ पे ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी मेरे को लगता है। डिवाइडर कट है। अरे यार दर्द हो रही है मेरे फेस पे, क्योंकि माइक बहुत ही अटक रहा है। ये रोड भी बस तैयार हो ही चुका है, थोड़ा इतना ही काम रहता है। हमारे आगे एटीट्यूड बनता है भाई, तुम डोमिनर 400। ये देखो पीछे तो देख ले साले, कोई आ रहा है बोसड़ी के। बाइक वालों को कुछ समझ ही नहीं है। सो गाइस, मैंने कल सुबह वीडियो अपलोड की थी एक, और उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। डिलीट नहीं कर दी, मैंने प्राइवेट कर दी, क्योंकि उसमें अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैं अकेले गया था ब्लॉग बनाने, अकेले ब्लॉग बहुत ही बोरिंग हो जाता है, मैंने ये देख लिया। और ट्राई करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपके लिए लाऊँ, कुछ भी बोरिंग नहीं लाऊँ। तो अगर बोरिंग भरेगा कुछ, फिर मैं वो डालूँगा ही नहीं अपने चैनल पर। आराम से। और अभी हम आए हैं यहाँ पे, तो ये मंडी है हमारे इधर की। तो ये ब्लॉग आई थिंक बहुत ही छोटा बनेगा। आराम से चला कर। आराम से था, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं इतनी जल्दी आगे निकल जाता है, मिलता ही नहीं है फिर। गाइस अभी मैं मारूंगा बर्नआउट।
पैर की बुरी हालत हो गई है। सो गाइस कैसा लगा आपको ये बर्नआउट कमेंट करके जरूर बताना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीस्ट राइडर ने मारा था और यहाँ पे मैंने मारा था, देख सकते हैं आप टायर का पूरा रबड़ निकल चुका है, बुरी हालत हो चुकी है टायर की, तो नया टायर भी लेना पड़ेगा बीस भाई को। इस भाई ने नया टायर ऑर्डर किया हुआ है तो इसको पहले पूरा घिसाएंगे, फिर उसके बाद नया डालेगा ये भाई, कल डालेगा ना टायर। सो गाइस ये था हमारा बर्नआउट। सो कैसा लगा आपको बर्नआउट, यूट्यूब शॉर्ट पे आपको बर्नआउट मिल जाएगा और इंस्टाग्राम रील पे भी डाल दूंगा मैं। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर देना, वहाँ पे भी मैं रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ ग्राउंड में आए थे थोड़े रिएक्शन लेने। अबे यार क्या हो गया, मैं भोसड़ी के बेटे। अबे यार बेटे क्या हो गया, अबे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। वो टायर स्लिप हुआ, बेस्ती बेस्ती करा दी तूने। मैंने सोचा था रिएक्शन कैप्चर करो। क्या हुआ, स्टैंड इसका नीचे ही है तो अभी ऊपर नहीं हो रहा था स्टैंड, तो उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा बाइक, तो उसकी अभी वायर काटी तो फिर तो हो रहा ही नहीं था। जैसे कि आपने देखा मैकेनिक को भी बुलाया था, अभी वो इसको मैकेनिक लेके जा रहे हैं, अभी इसको सर्विस स्टेशन लेके जा रहे हैं बाइक को। सो गाइस बीस राइडर अपनी बाइक सर्विस स्टेशन दे आया और वो वहीं पे है, मैं जा रहा हूँ घर अभी क्योंकि मैं लेट हो रहा था, तो बीस राइडर वहीं पे है तो वो करा के ही आएगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आई होगी डिसलाइक कर देना। तो मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नई वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके टाटा गुड बाय गाइस।